अमीर खुसरो ने लिखा, जिहाले मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न लेहूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को, जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अधेरी रतियां किसे पड़ी है, जो जा बतावे प्यारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना नंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया, यही प्यार है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। आइए वंदना में अपनी दो पंक्तियों में हाथ उठाएं और शुरू करें इस कार्यक्रम को कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, उस ईश्वर की आप पर कृपा रहे। आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। मुस्कुराहटों का, ठहाकों का कवि है, हंसने का कवि है। हंसना इस समय बहुत मुश्किल है, रोना बहुत आसान है। आप देखिएगा, रोने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, हंसना बहुत मुश्किल है। ओशो ने कहा था कि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। हमारी हिंदी के एक बड़े लोकप्रिय हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, ओशो कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जो ठहाका है जो आपके अंदर से लाना है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि सामने जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। चेयरमैन साहब इतना पेमेंट करने के बाद भी हंस पा रहे हैं। अच्छा, अगले की जेब कट गई तुम्हारे चक्कर में और उसके बाद भी वो हंस रहे हैं, यही एक गुजरात के आदमी का कौशल है। अन्यथा कई बार क्या होता है रितेश भाई, सामने ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं हमारे जिसका जन्म ही पुण्यतिथि के दिन हुआ है, वो हंसता ही नहीं है और आप सुनाते रहो, वो सामने ही बैठा होता है, ऐसा लगता है कि अभी अभी शोक सभा से लौट के आया है। हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाका ईश्वर ने आप ही को दिया है। दुनिया में लाखों प्रकार के कीट कृमि पशु पक्षी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हंस नहीं सकते। डिस्कवरी देखते हैं ना, देखते हैं डिस्कवरी वालों को, जानवरों की प्राइवेसी की स्थिति कर रखी है उन्होंने। हाँ, वो किसी के पीछे कैमरा लेके चल देता है। ये पृथ्वी पे केवल 70 बच गए हैं, मैंने कहा ऐसे कैमरा लेके जाएगा 70 भी नहीं बचेंगे। दुनिया का हर जानवर हंसता है। आपके घर में जो पालतू कुत्ता है, जो बिल्ली है, आप जब घर जाते हैं तो वो मुस्कुराता नहीं है, उछलता कूदता है, हंस नहीं सकता। हंस केवल मनुष्य सकता है, केवल आदमी को। आपने पीछे बैठे किसी व्यक्ति ने आज तक किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंसना शुरू कर दे तो समझ लेना ये आदमी होने के प्रोसेस में है, और अगर कोई आदमी हंसना बंद कर दे आसपास चेक करते रहना। तो ठहाकों के लिए, मुस्कुराहट के लिए और उसके बीच में छिपे हुए व्यंग के संदेश के लिए मैं इस समय के सबसे पॉपुलर 4-5 नाम जो हिंदुस्तान में है, जो पूरी दुनिया में जाते हैं, उनमें से एक दिनेश बावरा को आमंत्रित करता हूं। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मंच और आखिरी आदमी तक मेरा अनुरोध है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर आज के कार्यक्रम का शुरू करें। क्या है कि कुमार विश्वास जी के साथ ज़्यादा रह लो तो खांसी हो ही जाती है, अरविंद केजरीवाल। ये अच्छी बात है, ये खांसी से नफरत नहीं करते, खांसी वाले से नफरत करते, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बड़ा शांत सा माहौल है, इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्होंने आपको कथावाचक समझ रखा था। इनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर कुमार विश्वास यूथ के दिलों पर राज करने वाली शख्सियत है। राम उनके भीतर राज करते हैं और आपके भीतर कुमार विश्वास राज करते हैं। अगली टिप्पणी पर मुझे आए महफिल बता देगी कि क्या सुनना चाहते हैं। कुमार विश्वास जी से मैंने पूछा कि मैं भी वायरल हो जाऊं ऐसा क्या सुनाऊं, बोले लंपू और झिंगूर के अलावा तेरे पास अगर कुछ है तो तू सुना दे। चेयरमैन साहब से दो निवेदन करना चाहता हूँ,
अगर कवि बाहर से बुलाया तो माइक भी बाहर से ही बुलाना था। और मुझे गर्मी लग रही है, एसी है नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन आपकी तालियां थोड़ा सा हिम्मत दे देंगी, बहुत तनाव मत लेना। पहली टिप्पणी सुनना आपको अच्छा लगेगा, दिमाग लगाना मत, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आवाज़ आ रही ना ठीक ठाक मेरी? हाँ हाँ आ जा रही ना? आ रही है। हाँ पीछे तक जा रही है। कुमार सर ने इधर बिठा दिया लोगों को। कुमार सर ने जीवन में यही काम किया है, मोदी जी को गद्दी पे बिठा दिया, अरविंद केजरीवाल जी को गद्दी पे बिठा दिया। एक बात बताऊं, मुझे याद आ गई तो बता रहा हूं कि इसी आपके कर्नाटी यूनिवर्सिटी का एक लड़का पास आउट होने के बाद डिग्री और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ अपने बाप के पास गया, दोनों के साथ। तो बाप ने बोला डिग्री तो ठीक है, ये क्या है? तो लड़के ने बोला कैंपस सिलेक्शन। बहुत अच्छा है। तो मैं जानता हूँ कैंपस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत देखिए छोटी छोटी बातें कहूँगा, अगली टिप्पणी कर रहा हूँ उसमें आप मोबाइल पे रिकॉर्ड क्या करना, इंस्टा पे टैग कर देना मुझे, थोड़ा फायदा हो जाएगा। रील बना के डाल देना, हमारे घर वाली भी देख लेगी कि हमारा बच्चा ट्रेंडिंग में है। कोई टेंशन लेना नहीं, मस्ती से रहना, तालियां बजाना। देखिए दुनिया में मैं कहता हूँ लॉ मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी होगी उसको तुरंत समर्थन किया, हो हा कर करके लॉ मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगली बात आपको मजा आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि लॉ मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लॉ मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मथे आ जाए। तो जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना। बर्दाश्त कर लेना, हमारे यहाँ प्यार कहा जाता है ऐसा। वाह 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 वाह, प्यार करिए, मोहब्बत करिए। खुसरो ने लिखा, क्या बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पता चला। लॉ फैकल्टी भी है, 5600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आप लोगों का, 5600 ऐसा ही कुछ आंकड़ा मुझे पता है। बराबर, आई एम राइट ना? हाँ, पेमेंट कट जाएगी, गलत बोल दिया तो डर लगता है ना, सही आंकड़ा बोलो। लेकिन देखिए कहीं भी रहिए, जहाँ जहाँ पे कुमार विश्वास जी जैसी शख्सियत बुलाई जाती हो वहाँ शिक्षा जरूर अच्छी होगी। अच्छा, हाँ मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ और करा सकते थे, और कितने सलीके से सुन रहे हैं आप लोग, भगवान कसम। आज लग ही नहीं रहा कि हम कॉलेज में हैं, हमें लग रहा है कि हम किसी अरब कंट्री के रेत में बैठे हुए हैं। आप लोगों को सजा सुनाई गई है कि आज ऐसे चार लोग बुलाए गए जो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं यार, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनाने वाले लोग, प्यार करिए, मोहब्बत करिए। अमीर खुसरो ने लिखा, जिहाले मिसकी मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारम ऐजा, न लेहूं काहे लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अधेरी रतियां किसे पड़ी है जो जा बतावे, प्यारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना नंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया? यही प्यार है। प्यार को समझने की कोशिश मत करना, प्यार समझने की कोशिश मत करना, प्यार रूह की चीज है, प्यार समझने की चीज थोड़ी नहीं। प्यार करिए, मोहब्बत करिए, ये जीवन मिला है हमको, ये जीवन थोड़ी मिला। ये जो सामने कुर्सियां बैठी हैं बड़े बड़े लोग, कहीं BHU से होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे जमाने में 2G, ये 2G दरी आ गए। बाबू छोड़ दो, जान दो, मत रिकॉर्ड करो, कैसा तो लगता है, फील होता है, मतलब ये हो रहा ना, चले जाएगा। तो क्या ध्यान भटकता, हम क्या स्क्रिप्टेड नहीं है ना, हम तो खाली आपको आँख में डाल के सुनाते हैं, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है तो हम सुना देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो क्या बता रहा था, भूल ही गया। तो हमारे ज़माने में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, हम तो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे।
एडमिशन कल्चर था ही नहीं हमारे यहाँ. ऐसे बगीचे में स्कूल लगता था, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े. तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है. तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है. अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपने हैं नहीं यार. अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं. हमारे जमाने में जो जिस दिन हम पैदा उसी दिन होते थे जिस दिन स्कूल में नाम लिखा जाता था. अब तो हॉस्पिटल डेट बर्थ सर्टिफिकेट देता है ना. हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था. हमारे जमाने में जो खींच कर ले जाए जाते थे, हमारे जमाने में केक भी नहीं काटा जाता था. स्कूल नहीं जाने पे हम ही काटे जाते थे उस दिन. हाँ सही बता, हमारी स्कूलिंग कमाल की हुई. हमारे जमाने में 2G 3G 4G नहीं था, गुरु जी थे. एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम लोग. हमारा जमाना अलग था. हमारे जमाने में नैक के एक्रीडिशन का टेंशन नहीं होता था, असेसमेंट नहीं होता था. टीचर को खाली पढ़ाना होता था. अब टीचर को पढ़ाने के अलावा इतना काम है कि बेचारा वो सिलेबस गलती से कंप्लीट करता है ऑनलाइन. हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटी के झेले हुए. हम तो स्कूल में थे तो पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पर मास्टर ने लिखा यूनिवर्सिटी. पहले दिन लिखा इलेक्ट्रिक सिटी. हमको खड़ा किया, बोले बताओ क्या लिखा है. हमने कहा इलेक्ट्रिक टीटी. बोले इलेक्ट्रिक टीटी. बोले तुम्हारे घर में कोई है. हमने कहा हाँ है. बोले कौन है. बोले बड़ा भाई है. बोले कल ले आना. बड़ा भाई मेरा गया. बोले तुम्हारा छोटा भाई पे ध्यान रखो यार, मैं इलेक्ट्रिक सिटी लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रिक टी पढ़ रहा है. तो मेरे बड़े भाई ने जो मैडम को बोला, तो मैडम ने डिग्री चेक की खुद की. मेरे भाई ने बोला मैडम अभी बेचारे की कैपिटिटी ही क्या है. मैडम ने बोला घर में तेरे कोई और है. बोले हाँ पिताजी है. बोले कल उनको ले आना. पिताजी गए. बोले कैसे दोनों बेटे हैं आपके, एक को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलने आता इलेक्ट्रिटी बोलता है, दूसरे को कैपेसिटी बोलने नहीं आता कैपिटिटी बोलता है, आप कैसे बाप हो. बाप ने जो जवाब दिया वो उत्तर प्रदेश का ही बाप हो सकता है. बाप ने कहा मैडम बात बहुत छोटी सी है लेकिन आप फुकड़ में पब्लिक टीटी कर रही हो. डीन ने अपनी डिग्री चेक की कि हम कहां फंसे पड़े हैं. बोले तुम्हारे घर में और कोई है. बोले हाँ दादाजी हैं. बोले कल उनको ले आना. दादाजी छड़ी टेंकते हुए निकले. इस वाली टिप्पणी पर तो हाथ खड़े कर दोगे आप. दादाजी चढ़ी टेकते हुए पहुंचे. बोले क्या खानदान आपका, स्विच बोर्ड से लेकर के ट्रांसफार्मर तक सब खराब है. बोले प्रॉब्लम क्या है मैडम. बोले देखिए आपके बेटे का जो छोटा बेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिटी पढ़ता है, उसका भाई कैपेसिटी को कैपिटिटी पढ़ता है, आपका खुद का बेटा पब्लिक सिटी को पब्लिक टिटी पढ़ता है. दादाजी ने बोला मैडम ये जाहिल हैं गवार हैं, इन कुत्तों ने इनवर्टिटी का मुंह नहीं देखा.